चर्च में जाने से पहले एक छोटा सा ये ब्रिज यहाँ पर पड़ता है, आप देख रहे हैं बरसात का पानी है इसमें। तो मेरे साथ बने हुए हैं मेरे भाई समीर। कैसे हो समीर? बढ़िया। तो आप जो है इस चर्च में विजिट पहले भी कर चुके हो? जी। कितने दिन पहले, लगभग कितने महीने पहले आए थे? दो तीन महीने पहले। तो दोस्तों मैं स्पेशली जो आया हूँ वो भाई समीर के साथ आया हूँ। समीर हमारे जो है छोटे भाई दोस्त हैं, नेट और से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं इनको लेकर के आया था। ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले यहाँ पहुंचे थे, तो थोड़ी आसानी हो गई है, इन्होंने हल्का सा जो है हमें गाइड किया है। तो चलिए घूमते हैं और एक्सप्लोर करके दिखाते हैं ये चर्च। तो चर्च परिसर में घूमने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो इस वक्त जो समय हो रहा है वो हो रहा है लगभग 5:30, 6:15, तो गेट बंद है। और करते हैं कोशिश, रिक्वेस्ट करके अगर हम अंदर चले जाएं, तो वो सामने आप देख रहे हैं यह है चर्च का बैकग्राउंड। दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ चर्च के परिसर में। तो हमने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट करने के बावजूद हमें थोड़ी सी जो है परमिशन यहाँ की दे दी गई है। जब हमने कहा कि हम काफ़ी दूर से आए हैं और सिर्फ स्पेशली इसको शूट करने ब्लॉग के लिए आए हैं, तो हमें इजाज़त दे दी है। तो हम चंद मिनट में जो है यहाँ से थोड़ा सा शूट करके ब्लॉग को एक्सप्लोर करके चलते हैं। तो मैं हूँ चर्च के बाहर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है कुछ पेड़ियाँ हैं और ये मेन गेट है। चूँकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और ये बंद हो चुका है, तो हमें फिर भी थोड़ी सी इजाज़त दे दी है यहाँ पर आने की। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट शमीम अहमद, आपका स्वागत है मेरे चैनल शमीम ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं इस वक्त, जैसा कि आप मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं चर्च में। तो ये चर्च कहां स्थित है? राजा का ताजपुर नूरपुर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर ये चर्च है। और हालांकि हमें परमिशन मिल नहीं रही थी जब हमने कहा कि हम एक न्यू ब्लॉग बना रहे हैं, तो चूंकि यहाँ की टाइमिंग जो है वो 8 बजे से 5 बजे तक की है और इस समय हो रहा है 5:45, तो फिर भी रिक्वेस्ट करने से हमें टाइम दे दिया गया है। तो चलिए जामा मस्जिद और कई दरगाहों के बाद आज हम विजिट कर रहे हैं ये राजा का ताजपुर का चर्च। तो चलिए थोड़ा सा आपको विजिट करके दिखाते हैं। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं वो है चर्च का मेन गेट, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी यहाँ जो है प्रतिमा बनाई गई है। इसमें जो है दर्शाया गया है कैसे जो है ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर वगैरह बनाकर यीशु के कंधे पर भारी क्रूर लादा जाता है। मरियम की एलिजाबेथ भेंट यहाँ पर है, एक प्रभु यीशु का जन्म, ये जो है यहाँ पर इस तरह की कुछ प्रतिमाओं से समझाया गया है। ये बॉक्स बने हुए हैं और जाली के अंदर ये रखे हुए हैं। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया और आपको दिखाता हूँ। तो ये इसी तरह जो है, ये देखिए आप, कलवारी की राह में यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। तो इसी तरह जो है यहाँ पर कुछ जो है यीशु मसीह के बारे में जो है अलग अलग प्रतिमाओं में, अलग अलग मूर्तियों में यहाँ पर जो है कुछ कहने की, समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रभु यीशु का मरण संकट, कोड़ों की मार यहाँ पर ये दिखाया गया है। देखिए ये कोड़ों की मार दिखाया है। और एक तस्वीर ये देखिए, यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हुए ये दिखाया गया है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह के मुतालिक जो है कुछ प्रतिमाएं बना के और तस्वीरें बना करके स्टैचू टाइप यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे, यानी ये कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है क्रूस के नीचे गिरते हुए, ये जो क्रॉस बना हुआ है, यीशु क्रूस पर ठोका जाना एक ये है, यीशु वस्त्र उतारे जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो है यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है। और ये सामने उस मेन गेट तक जो है इसी तरह यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई है यीशु मसीह की। तो हम चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चर्च के गेट के सामने। गेट बंद है, टाइम हो चुका था
और ये है इसका परिसर, देखिए। मैं वहाँ दूर वहाँ खड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं, क्लोज कर रहा हूँ, वहाँ था मैं। और मैं इस वक्त हूँ ठीक चर्च के सामने। ये गेट बंद है, टाइम ख़त्म हो चुका। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ चर्च के मेन गेट पर। चूंकि टाइमिंग यहाँ की 8 बजे से 5 बजे तक की है, इसी बिना पर चर्च बंद हो चुका है। परमिशन मिलने के बाद जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हालांकि वो आने नहीं दे रहे थे। तो ये है राजा का ताजपुर का चर्च, पत्थर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इन लविंग मेमोरी ऑफ मैरीज मैथीज डॉटर ऑफ लेट राजा फादर रिस्क ऑफ ताजपुर। ये शायद जिन्होंने जो है इसकी तामीर में हिस्सा लिया हो शायद। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा? मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजा का ताजपुर चर्च पर। तो प्लीज वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शमीम व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।